दोस्तों आज की जो वीडियो बनाने का मेरा एक पर्पज मात्र है कि कल जो एक वीडियो देखी थी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है कहीं फेसबुक पर कहीं यूट्यूब पर, आप देख रहे होंगे कि एक नेक्सॉन गाड़ी पलट जाती है जो कि कहीं हरियाणा के किसी रोड पर है और वो एक i20 गाड़ी से टकरा जाती है जिसके बाद वो पलट जाती है और पलटने के बाद उसमें जो रिपोर्टर एक रिपोर्टिंग करते हुए नजर आते हैं आपको, वो बोल रहे होंगे कि गाड़ी के जो है वो ना तो एयरबैग इन्फ्लेट हुए और दूसरी चीज ये है कि मतलब गाड़ी बहुत तेज रफ्तार थी और एयरबैग इन्फ्लेट नहीं हुए, वो चीज वो बार बार कह रहे हैं। तो भाई दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। सकते हैं आज हम जानेंगे कि भाई एयरबैग्स का मैकेनिज्म क्या है और एयरबैग कैसे काम करता है और उसके बाद एयरबैग की कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस लिए इसको बनाया गया और कब से ये इम्प्लांट हुआ, गाड़ियों में लगना शुरू हुआ, तो उस चीज के बारे में आज हम जानेंगे। तो गाइज सबसे पहले बात आती है कि एयरबैग्स हैं क्या। सो गाइज आपकी गाड़ी में असिस्टेंट सीट और ड्राइवर सीट में स्टेयरिंग में और साइड में एयरबैग्स होते हैं जो कि आपको दुर्घटना से बचाते हैं और विद इन सेकेंड्स मिली सेकेंड्स में ये इन्फ्लेट हो जाते हैं। सो गाइज अब बात आती है कि कितने टाइप के एयरबैग्स होते हैं। तो गाइज एक तो होता है आपके कहाँ कहाँ लगे होते हैं भाई, एक तो होता है आपके स्टेयरिंग में लगा होता है जो कि ड्राइवर के लिए होता है, दूसरा होता है असिस्टेंट एयरबैग जो कि डैशबोर्ड में लगा होता है असिस्टेंट के जस्ट सामने, जब भी गाड़ी आपकी कोलिजन करती है किससे टकराती है तो ये तुरंत से इन्फ्लेट हो जाते हैं और आपको किसी भी इंजरी से बचा लेते हैं। दूसरा जो है आपकी साइड में एयरबैग्स होते हैं जो कि जब खुलते हैं, जब आपको साइड में इंपैक्ट होता है गाड़ी में तो ये खुल जाते हैं और आपके कंधों को चोट से बचाते हैं। और फिर होते हैं एक कर्टेन एयरबैग्स जो कि आपको बाहर से जो इंजरीज वगैरह के लिए कोई सामान अंदर आता है तो उससे बचा लेते हैं और प्लस कांच वांच से आपको बचा लेते हैं। गाइस ये 1950s की बात है जब मिस्टर जॉन डब्ल्यू हैट्रिक अपनी वाइफ के साथ में कहीं जा रहे थे, उसी समय पे उनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनको थोड़ी बहुत चोटें आती है। उस समय पे इनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको लगता है कि भाई कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको चोट से, और मतलब ये नेवी से रिटायर्ड थे तो इनको काफ़ी लगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था और चोट वगैरह अगर लग जाती तो मेरी वाइफ को क्या होता। इसके लिए इन्होंने खाली एयरबैग का आविष्कार कर डाला। तो गाइस पहली जो थी मर्सिडीज बेंज बनी जिसने इसको एयरबैग इंट्रोड्यूस किया अपनी गाड़ी में, W126S क्लास मॉडल में इन्होंने अपने गाड़ी में एयरबैग देने शुरू कर दी। उसके बाद 1987 में पोर्स 944 टर्बो इंजन में पहली ऐसी गाड़ी बनी जिसमें ड्राइवर और पैसेंजर के साथ में एयरबैग डिलीवर करने शुरू कर दिए। तो गाइस अब बात आती है कि भाई एयरबैग काम कैसे करता है। तो जब आपकी गाड़ी किसी पेड़ से या किसी गाड़ी से तेज स्पीड में टकराती है तो उस टाइम पे क्रैश सेंसर आगे लगा होता है गाड़ी में बोनट में, जो टकराते ही उसमें एक करंट जो आता है मतलब आपका परिपथ पूरा हो जाता है और वो ECU को एक सिग्नल भेजता है कि भाई गाड़ी आगे से कोलिजन कर गई है। अब उसके बाद जो है विद इन 30 मिलीसेकंड जो है आगे सिग्नल भेजा जाता है और ड्राइवर साइड में जो बैग होता है एयरबैग वो नाइट्रोजन गैस उसमें भर जाती है और वो फूल जाता है। सो गाइस ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको सोडियम एजाइड केमिकल रिएक्शन बोलते हैं जो कि विद इन मिलीसेकंड्स होती है, ये बहुत ही फास्ट होता है। सो गाइस अब बात करते हैं कल वाली वीडियो की जिसमें नेक्सॉन का बताया गया था कि एयरबैग नहीं खुले हैं। सो गाइस देखिए गाड़ी का जो फ्रंट है वो बिल्कुल आपको इंटैक्ट दिखाई दे रहा होगा, मतलब इसमें कोई ज़्यादा डैमेज नहीं है, सामने से गाड़ी नहीं टकराई है, इसी वजह से गाड़ी के जो एयरबैग्स हैं वो डिप्लॉयड नहीं हुए हैं और गाड़ी साइड से जो है वो पूरी डैमेज हो गई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आपकी गाड़ी जो है सामने से अच्छे से ना टकराई हो तब भी आपके जो एयरबैग्स है वो नहीं खुलेंगे। और दूसरी चीज़ ये कई बार गाड़ी जो है वो पोल से टकरा जाती है जिसकी वजह से सामने से मतलब पूरा फ्रंट नहीं टकराया है लेकिन पोल से साइड टकरा गई है तो भी आपकी गाड़ी में जो है एयरबैग जो है डिप्लॉयड नहीं होंगे और आपकी गाड़ी जो है फिर आप यही मतलब कहेंगे कि भाई मेरी गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले हैं। तो उसके लिए शर्त ये है कि गाड़ी सामने से बिल्कुल अच्छे से टकराई हुई होनी चाहिए तभी वो आपके खुलेंगे। और दूसरी चीज़ जो है कई बार स्पीड लिमिटेशन को कहते हैं कि 80 से ज़्यादा होती है तो ऐसा नहीं है, कई बार गाड़ी जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी जो है गाइस स्पीड से इसका कोई लेना देना नहीं है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी अगर आपकी गाड़ी जा रही है और सामने से तेज़ रफ्तार से गाड़ी आ रही है तो भी आपके जो एयरबैग्स हैं वो खुल सकते हैं, इस डिपेंड कि वो किस एंगल से टकरा रही है तो फिर वो खुल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कई बार ढलान पर भी गाड़ी जैसे नीचे से लग गई सामने कुछ ही गड्ढे में गिर गई तो भी आपके एयरबैग खुल सकते हैं। सो गाइज अगर आपके एक बार एयरबैग खुल जाते हैं तो इसका रिपेयर कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आता है जो कि इंश्योरेंस में भी कवर नहीं होता है, अराउंड 50K अराउंड आपका जो है आ जाता है खर्चा और 100% उसका कंपनी कभी भी क्लेम नहीं करती है, मतलब इंश्योरर कभी भी आपको 100% नहीं देंगे। सो गाइज दुआ कीजिएगा कि कभी भी आपकी एयरबैग्स खुलने की नौबत
ना आए और आपकी गाड़ी किसी से कोलिजन ना करे। आज की वीडियो में हमने बताया एयरबैग्स कैसे काम करते हैं, इसका इतिहास क्या है और कैसे ये काम करता है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सीट बेल्ट लगाना मत भूलिएगा, इसको हमेशा लगा के चलिए। बाय।